गोवा में घर सही खरीदने का प्रोसेस जो है, जो सही तरीका है, वो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। प्रॉपर्टी के ऊपर जैसे मैंने 2-3 वीडियो बनाए, उसमें आप लोगों का बहुत उस पर प्यार मिला, मतलब बहुत लोगों ने उसमें दिलचस्पी ली, देखा, बहुत सारे कमेंट आए। इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोगों ने कमेंट किए, फ़ोन भी आए। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे मैंने कसिनो के ऊपर वीडियो की सीरीज़ बनाई थी और उससे बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ, तो अभी गोवा के प्रॉपर्टी के ऊपर भी मैंने सोचा कि अभी 8-10 वीडियो जो भी बन सके जहाँ तक वो मैं बनाऊँगा। धूप बहुत तेज़ हो रही है, मेरे मुंह पे पड़ रही है, पर मैंने कहा कि नहीं, ये वीडियो बनाना चाहिए। सुबह से ही हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, आप देख भी रहे होगे मेरे पीछे, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है और धूप काफ़ी ज़्यादा मुंह पे पड़ रही है, पर डजेंट मैटर, हमें तो पॉइंट्स पे बात करनी है। मतलब फ़ोन की तरफ, कैमरे की तरफ देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ा मैं जल्दी बना रहा हूँ। अगर यही मैं 1-1.5 घंटे बाद बनाऊँ तो थोड़ा सा लाइट डायरेक्ट मुँह पर ना पड़ेगी। तो दोस्तों, ऐसा है कि हमने पहले बनाया कि गोवा में कैसे खरीदे, गोवा में घर आप लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते, ये सब मेरी पर्सनली राय है। तो देखो, मैं पर्सनली तो मैं चाहता हूँ कि भी कोई गोवा में ना घर खरीदे, गोवा की ज़मीनें लोकल्स के लिए ही रहे, बाहर के लोग ना आए, क्योंकि गोवा एक नॉर्मल मैदानी इलाके जैसा स्टेट नहीं है कि जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पूना, गुड़गांव ये सब है। तो गोवा, हम जिस वजह से गोवा को पसंद करते हैं, अगर बहुत सारे लोग वहाँ पर गोवा में आ गए और रहने लग गए, जो पिछले 20-30 साल से ये सिलसिला चल रहा है, 20-21 साल से, और धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा है, अब तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो गया है। गोवा का रियल इस्टेट बहुत हाईफाई लेवल पर पहुँच चुका है। तो आने वाले दिनों में जिस वजह से हम गोवा को पसंद करते हैं, गोवा का वो चीज़ खतरे में पड़ जाएगी। जैसे मुंबई में भी बीच है, पर हम मुंबई में के बीचों को और गोवा के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखते हैं। पर ये मेरी पर्सनल वो है, इस वजह से कोई ऐसा नहीं कि जो गोवा में घर खरीदना चाहता है वो नहीं खरीदेगा या वो मना कर देगा। तो मैं, जो लोग इसके बावजूद भी गोवा में घर खरीदना चाहते हैं और मेरे साथ जुड़े हुए, तो उनको मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। गोवा में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो देखो जैसे वो पीछे से गाड़ी आ रही है, अभी वो नज़दीक आएगी तो मेरी आवाज़ अब तक नहीं पहुंचेगी, तो थोड़ा सा हम उस बीच में चुप कर जाएंगे और वो आवाज़ जैसे चल रहा है चलने देंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि गोवा में घर खरीदने का सही तरीका क्या है, गोवा में घर खरीदने का प्रोसेस क्या है। पहले इसको गुजर जाने देते हैं। ये बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी थी। तो हम बात कर रहे थे कि गोवा में घर जो लोग लेना चाहते हैं, तो मैंने पहले वीडियो बनाया कि आप सही में लेना चाहते हो या रह रह के जोश उछलता है, और उसके बाद मैं इसकी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें पहला वीडियो कि गोवा में घर कैसे खरीदे, गोवा में घर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या क्या आप सचमुच में लेना चाहते हो, वो सब को एक ही सीरीज प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो आप लोग गोवा में घर, जो लोग इसके बावजूद भी नहीं हम बिल्कुल पक्के हैं जी, हमें तो गोवा में घर लेना है या गोवा जैसी जगह पर घर लेना है, तो हम गोवा में मैं रह रहा हूँ तो गोवा की बात करता हूँ। मैंने अपना आपको पर्सनली बता दिया कि मैं नहीं चाहता कि कोई गोवा में आके घर खरीदे, मैं खुद भी यहाँ पर एज ए गेस्ट हूँ कुछ टाइम के लिए। तो गोवा में घर सही खरीदने का प्रोसेस जो है, जो सही तरीका है, वो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी ऑनलाइन रिसर्च करो, क्योंकि गोवा एक स्टेट है, गोवा के अंदर आपको किस इलाके में गोवा में घर खरीदना है। तो गोवा को पहले हम दो हिस्सों में अगर बांटें तो एक है नॉर्थ गोवा, एक है साउथ गोवा। आपको साउथ गोवा चाहिए या नॉर्थ गोवा चाहिए? देखो, कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि साउथ गोवा बहुत अच्छा है, शांत है, क्राउड कम है, भीड़ कम है, पर आप लोग जिन जगहों से आ रहे हो, आप लोग भीड़ की आदत पड़ चुकी है आपको, तो कहीं ऐसा ना हो कि साउथ गोवा में घर लेने के बाद आपको एहसास हो कि यार हम तो फंस गए या जंगल में रहे। तो पहले अपनी मेंटल स्टेटस को, अपनी इच्छाओं को और उस जगह के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस को मैच करो,
ठीक है, उसके बाद डिसाइड करो कि भी नॉर्थ गोवा में लेना है या साउथ गोवा में। साउथ गोवा के अंदर भी नॉर्थ गोवा से ज़्यादा कंजेस्टेड जगहें हैं और नॉर्थ गोवा के अंदर भी कुछ जगहें साउथ गोवा जैसी शांत है जहाँ पे क्राउड कम है। ये दोनों जगह पे ऐसी जगह अवेलेबल है। फिर आपने जब ऑनलाइन आपने पहले तो गूगल में आपने गोवा का मैप को देखा और आपने कहा कि यार मुझे तो इस तरफ घर लेना है, फिर उस जगह के बारे में आपने जानना शुरू किया, बीच कितनी दूर है, बीच के नज़दीक लेना है, बीच में लेना है, बीच के बिल्कुल पास लेना है, बीच से 10 किलोमीटर में लेना है, एग्रीकल्चर लैंड लेना है, इंडिपेंडेंट हाउस लेना है, हेरिटेज होम लेना है, जो किस तरह का आपने लेना है वो आपने चूज़ कर लिया। उसके बाद आपको कम से कम 15-20 दिन के लिए गोवा आना पड़ेगा और कम से कम ये प्रोसेस 2-3 बार चलेगा। गोवा के अंदर दोस्तों प्रॉपर्टी डीलर की कोई शॉप नहीं होती, जैसे रियल एस्टेट एजेंट के ऐसे ऑफिसेस वगैरह नहीं है। अभी मुझे 3-4 दिन पहले किसी का फ़ोन आया कि भी हम दिल्ली से हैं और हम गोवा में आके 4 दिन के लिए आए हैं, तो हमने सोचा कि गोवा में प्रॉपर्टी ली जाए, तो कह रहे हमने तो 100 किलोमीटर गाड़ी चला ली, हमें एक दुकान नहीं मिली, एक ऑफिस नहीं मिला, प्रॉपर्टी डीलर का कोई बोर्ड नहीं मिला। मैंने कहा हाँ, यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस बहुत कम होते हैं, ऐसे बोर्ड नहीं लगे हुए रियल एस्टेट एजेंट प्रॉपर्टी डीलर, ऐसा नहीं है, बहुत कम होते हैं। उसका कारण क्या है, देखो दोस्तों गोवा एक छोटा स्टेट है, गोवा की आबादी 15-16 लाख है, जो लोकल्स घर खरीदते हैं वो अपने दम पे ही खरीद लेते हैं, सब जगह सबके लिंक होते हैं, तो उन्हें रियल एस्टेट एजेंट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है। अब जो रियल एस्टेट एजेंट चाहिए जो आउटसाइडर्स के लिए, तो आउटसाइडर जो है वो ऑनलाइन अपनी पहले रिसर्च करते हैं, तो ऑनलाइन रिसर्च करने में क्या होता है कि इसी वजह से जो लोग कमीशन एजेंट हैं या जो रियल एस्टेट में फ्रीलांसर काम कर रहे हैं वो लोग ऑनलाइन में ही अपने उन्होंने पोस्ट वगैरह डाले होते हैं, और ऑनलाइन में फिर आपको पता ही है कि डीलर भी ऑनर बन के डालता है, तो वो सब चीज़ें होती है। तो उसको रियल वहाँ पे रिसर्च करके बात करने के बाद आपने सबसे पहला लोकेशन चुना, दूसरे नंबर पे आपने उस लोकेशन के अंदर भी किस तरह की प्रॉपर्टी लेनी है, इंडिपेंडेंट हाउस, एग्रीकल्चर लैंड, फ्लैट, बीच के नज़दीक, बीच के बहुत नज़दीक, बीच से 10 किलोमीटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे 15-20 दिन के लिए आके रह रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए आओगे तो आपका बहुत खर्चा हो जाएगा कि एक प्रॉपर्टी से बात बनी और आप आ गए और आने के बाद में आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं और आप वापस चले गए, 3-4 बार के बाद में आप फेडअप हो जाओगे। उसके बाद आप 2 कदम उठाओगे, या तो आइडिया ड्रॉप कर दोगे या फिर जो ऊटपटांग प्रॉपर्टी मिलेगी उसको डन करके काम नक्की करोगे और बाद में रोगे। और ये एक तरीका है कि यहाँ पे आप 2-3 बार आओ, 10-10, 15-15, 20 दिन, 4-5-6 दिन के अंदर कोई प्रॉपर्टी सर्च नहीं हो सकती, मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आप 5 दिन के अंदर आके यहाँ पे सोचोगे तो फिर वही है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे, मतलब लेने के बाद आपको लगेगा कि अरे यार इससे इतने ही पैसों में अच्छी जगह भी मिल सकती थी पर रह गई आपसे, काश मैं उस समय और थोड़ा सा रुक जाता, घूम लेता। तो बाद में काश कह के पछताने की बजाय ये तरीका है, और एक बेस्ट तरीका ये है कि आपका कोई अपना व्यक्ति जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो विश्वास पात्र हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपका गोवा में है, कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, कोई भी ऐसा है, वो आपके लिए प्रॉपर्टी सर्च कर सकता है, आपने जो ऑनलाइन प्रॉपर्टियाँ ढूंढी है वो जाके उस पर फिज़िकल विज़िट करके आपको वर्चुअल टूर करा सकता है, उसके वीडियो बना के भेज सकता है, उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या है, उसके आसपास का एरिया कैसा है, खाली आपको तो ऑनलाइन में उसका एरिया दिखेगा ना, उस प्रॉपर्टी की फ़ोटो दिखेगी, पड़ोस में क्या चल रहा है, पड़ोसी कैसे हैं, ये सब चीज़ें कैसे मालूम पड़ेगी। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जो आपको यहाँ पे बैठे बैठे आपकी बताई हुई प्रॉपर्टी पे फिज़िकली विज़िट करके एक्चुअल कंडीशन क्या है वो सब आपको दिखा सके, ये पोई वाला है, पाव पोई वाला, और आपके लिए यहाँ पे कोई नई प्रॉपर्टी ढूंढे और आपको उसको वर्चुअल टूर कराए, जब आपके पास ऐसे 3-4 ऑप्शंस हो तब आप गोवा में आ रहे हो 10 दिन के लिए और सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हो, तब तो समझ में आता है, ये उससे भी बेस्ट है पहले वाले तरीके से। पर इसके लिए आपके पास ऐसा आदमी होना चाहिए, नंबर वन। दूसरा, फोकट में लाइफ में कुछ नहीं मिलता। अब अगर आप किसी अपने जान पहचान वाले को ये बोल भी दोगे, वो मान लो आपको कमिट भी कर देगा कि हाँ ठीक है मैं आपके लिए कर सकता हूँ, तो पहली बात तो वो करेगा नहीं, अगर करेगा तो वो शिद्दत से नहीं करेगा। दूसरा, अगर वो करेगा भी तो वो कंफर्टेबल जोन में करेगा, वो इसको एज ए लाइबिलिटी, एज ए ड्यूटी नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको उसको कुछ उसका इस मेहनत का, उसका जो एक्सपेंस होगा, जो एनर्जी लगेगी, जो टाइम लगेगा, उसका आपको उसको कुछ पे करना चाहिए।
और ये माइनर अमाउंट आपको उसको पहले पे करना चाहिए, ताकि वो उस रिसर्च के दौरान जो भी खर्चा हो, चाहे वो 100 रुपये का हो, 500 रुपये का हो, 1000 रुपये का हो, वो उसकी जेब से ना जाए। आप बोलोगे हम तो उसको कमीशन देंगे, गोवा में कमीशन का रेट 2% चलता है प्रॉपर्टी का, जो जेन्युइन कमीशन रेट है वो 2% है। गोवा में प्रॉपर्टियाँ ज़्यादातर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ होती हैं, तो आप बोलोगे कि अरे हम तो उसको 2% दे देंगे। वो 2% तो बॉस तब दोगे ना जब आपकी डील होगी, जब आप लेना चाहोगे। मान लो उसने मेहनत करी 3-4 महीने आपके लिए प्रॉपर्टी ढूंढ के निकाली, और अब आपका मन बदल गया, अब आप नहीं ले रहे, तो क्या आप 4 महीने का उसको उसका पेट्रोल का, टाइम का, एनर्जी का खर्चा देते फिरोगे, हिसाब लगाते फिरोगे? क्योंकि एक बात क्लियर है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि लोगों के अंदर जोश चढ़ता है, कीड़े वो जोर मारते दिमाग में, और फिर उनको लगता है कि अरे गोवा में प्रॉपर्टी खरीदनी है, और वो 2-3 महीने के लिए दीवाने हो जाते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे फिर वो अपनी जगजोजहज में पड़ते हैं और वो झंझट उनका बंद हो जाता है, फिर वो शांत हो जाते हैं, फिर वो कहीं और ढूंढते हैं, कुछ और सोचते हैं, कहीं और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बनाते हैं, फिर कभी कोई वीडियो वगैरह देख लेते हैं, कहीं से दिमाग में फिर से कहीं से क्लिक होता है, फिर वो उसको शुरू कर देते हैं। तो मेरा अपना अनुभव है कि 80-90% लोग तो गोवा में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, पर वो खरीदेंगे नहीं, ऐसा उनको लगता है कि वो खरीद लेंगे। पर अगर कोई आदमी उन लोगों के बिहाफ पे सड़कों पे घूम घूम के प्रॉपर्टियों ढूंढता रहे उनके लिए, तो वो तो वैसे ही निपट लेगा। तो सिंपल सी बात है, ये बात यहाँ की नहीं है, दिल्ली में भी प्रॉपर्टी डीलर्स ने ये कर दिया, जो अक्लमंद प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो उन्होंने सीधा ऐसा कर दिया कि भाई साहब आप हमें एक माइनर अमाउंट, हमारा है ये, हमारा विजिट चार्ज है, आप हमें ये दो, हम आपको इतने अमाउंट में इतने प्रॉपर्टियाँ दिखाएंगे। जैसे हमारा पीजी था, तो उसमें लड़कियाँ बताती थी कि प्रॉपर्टी डीलर के पास हम जाते थे, वो हमसे कुछ अमाउंट लेते थे, और उसमें होते थे कि हम आपको 3 पीजी दिखाएंगे। अब आपको पसंद आए या ना आए, आप अपनी रिक्वायरमेंट बता दो, उस रिक्वायरमेंट के अंदर हम आपको ये 3 चीज़ दिखाएंगे। क्योंकि कई लोग सिर्फ शौक शौक में निकलते हैं प्रॉपर्टियाँ देखने, उनको पता जेब से तो कुछ लगना नहीं है, घूम फिर आएंगे, तफरी भी कराएंगे, गोवा तो घूमने जाना ही है, चलो प्रॉपर्टी भी देख लेंगे। और वो बंदा आपके यहाँ लगा करके मेहनत करके आपके लिए प्रॉपर्टी निकाल रहा है, आप आ रहे हो ढूंढ रहे हो, फिर आप करोगे अच्छा पापा से पूछ के बताएंगे, मम्मी से पूछ के बताएंगे, या बाद में आप करोगे यार बॉस हमने तो कहीं और ले लिया। तो और ऐसा ही ज़्यादातर होता है, 100 लोग अगर प्रॉपर्टी देखने आएंगे उसमें खरीदने वाले 1 ही होता है या 2 होते हैं। तो आपको मैंने बताया कि गोवा में प्रॉपर्टी खरीदना अगर आप लोग चाहते हो, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि ऑनलाइन रिसर्च करो, 15-20 दिन महीने के लिए गोवा आओ, और 3-4 प्रॉपर्टियाँ जो आइडेंटिफाई कर रही है उसको आप विजिट करो, और फिर देखो। गोवा में बिना लॉयर कंसल्टेंट के मत खरीदना, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन और वो सब चीज़ें बिल्कुल सेफ रहनी चाहिए। गोवा में बहुत सारी प्रॉपर्टियों के डिस्प्यूट लैंड है, बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी पेशी है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। गोवा के लोग ईमानदार हैं, पर अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आपको कोई आदमी को अपने काम पे लगाना पड़ेगा कि आप हमारे लिए प्रॉपर्टी ढूंढो। प्रॉपर्टी मिलने के बाद जो आप उसको दोगे वो तो अलग बात हो गई ना, मान लो आपने लिया ही नहीं तो बात ख़त्म हो गई। तो ये 2 तरीके हैं गोवा में घर खरीदने के। बाकी आप कई लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि यार कोई प्रॉपर्टी हो तो बताना, ठीक है भाई होगी तो बता देंगे। अब वो कब होगी, होगी कि नहीं होगी, पता ही नहीं, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ में शिद्दत से नहीं लगोगे वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं, और शिद्दत क्यों पैदा होगी बिना मोटिवेशन के, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए आपने देखा होगा प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो उनके ऑफिसेज खाली पड़े रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं तो जाके एक डील मैच्योर होती है। क्योंकि 90% लोग तो खाली शौक शौक में आते हैं, क्योंकि उनका कुछ नहीं लग रहा ना, उनका तो कुछ लग नहीं रहा। वो जो स्टेट एजेंट है वो बेचारा अपनी गाड़ी में लोगों को घुमा रहा है, पेट्रोल खर्च कर रहा है, मीटिंगें कर रहा है, चाय कॉफ़ी पी रहा है, पिला रहा है, बहुत सारे झंझट होते हैं, टाइम एनर्जी की कोई वैल्यू नहीं है। और सामने वाला फिर उसके बाद बोलता है जी मेरा मन बदल गया, और वो ये नहीं बोलेगा मेरा मन बदल गया, वो बोलेगा ये महंगी है, इसमें ये कमी है, या वो बोलेगा मैंने कहीं और ले ली, जी आपने इतना टाइम लगाया मैंने कहीं और ले ली, वो ऐसे करके टालेगा ना, ये थोड़ी बोलेगा कि भाई साहब अब मेरे वो जोश ठंडा हो गया मेरा। तो ये एक तरीका है गोवा में प्रॉपर्टी को खरीदने का सही तरीका। तो गोवा में बहुत कम एरिया है जो रेजिडेंशियल है, बाकी एरिया पहाड़ों से और बीचेस नदियों से भरा हुआ है। दूसरा, उसमें भी एक अच्छी प्रॉपर्टी निकालना, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं पर उनका वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो सेल नहीं कर सकते, ठीक है।
तो ये एक तरीका है। गोवा में प्रॉपर्टी का मतलब भूसे में से सुई ढूंढना है। और उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझोगे, तो ठीक है, यही एक तरीका है। बाकी और कोई ऐसा तरीका नहीं कि आप किसी को भी फ़ोन करो कि भी आप प्रॉपर्टी ढूंढो। मतलब अभी ये प्रॉपर्टी डीलर को समझ में आ गया, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली में भी प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं कि भाई अगर आप इंटरेस्टेड हो, देखो आप खरीदना चाह रहे हो 1 लाख का मकान, 1 करोड़ का मकान, 50 लाख का मकान, और आप आ रहे हो, अब कैसे पता करोगे? एक डीलर कैसे पता करेगा कि ये सच में ख़रीदना चाहता है या इसको लग रहा है कि इसको ख़रीदना है? तो टाइम इज़ मनी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।